जयपुर ट्रिप के अपने थर्ड डे आज हम आए हैं गलता जी, और यहाँ पे ऊपर गलता ऋषि का मंदिर है। यहाँ तक आप अपनी बाइक कार से आ सकते हैं, यहाँ से आगे जाएंगे पैदल। यह है इसका प्रवेश द्वार। यहाँ पर कावड़ और कलश यात्रा चल रही है। ऋषि गलता जी के तब से प्रसन्न होकर गंगा मैया इसी स्थान पर प्रकट हुई थी, जिसकी संपूर्ण कथा पंडित जी द्वारा वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगी। यह श्री ज्ञान गोपाल जी का मंदिर और यह श्री सीताराम जी का मंदिर आते हुए चलेंगे। पहले हम चलते हैं ऊपर। काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे। आज कावड़ यात्रा शायद कुछ है यहाँ पे ऐसा फंक्शन। तो अब हम ऊपर जाएंगे गलता जी के मंदिर। ये देखे हमें जाना ऊपर वहाँ पर। सीढ़ियों पे पूरा पानी आ रहा है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है पीछे। ये है कुंड, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। और देखिए अभी हम चलेंगे बिल्कुल ऊपर। देखिए कितना पानी है सीढ़ियों पर। यहाँ पर गौमुख से पानी आता है और ये कुंड है। यहाँ पे दो कुंड है मेनली, एक पुरुषों का कुंड ऊपर है, ये महिलाओं का कुंड है। पर पुरुषों का कुंड अभी बंद कर दिया गया है, तो दोनों यहीं पे स्नान कर रहे हैं। तो देखिए कैसे पानी आ रहा है सीढ़ियों से। इन्हीं सीढ़ियों से चल के आपको जाना है ऊपर। यह है पुरुषों का कुंड, पर अभी इसे बंद कर दिया गया है। यह है सामने गलता ऋषि जी का मंदिर, गालब ऋषि जी का मंदिर और गलता ऋषि जी का मंदिर। तो भी हम आए हैं गलता ऋषि जी के मंदिर। दर्शन कीजिए आप गलता ऋषि जी के। इस स्थान की संपूर्ण कथा नीचे जो सीताराम जी मंदिर हमने आपको दिखाया था वहाँ के पंडित जी द्वारा वीडियो में आगे दी गई है। अब गलता जी मंदिर में दर्शन करके हम जा रहे हैं वापस नीचे की ओर। ये देखे पीछे पानी कैसे बह रहा है, चलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। और बाइक लेके दूसरी ओर से फिर हम जाएंगे सूर्य मंदिर। यहाँ से भी जा सकते हैं पर हमारी बाइक इधर ही खड़ी है, तो हम बाइक लेके दूसरी तरफ से जाएंगे। तो देखिए कुंड अभी बंद कर दिया है, पुरुषों का कुंड है। पानी देखिए कैसे बह रहा है, बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे। और इस सीजन में आओगे तभी आपको ऐसा मिलेगा, वरना ये सूखे रहते हैं। अभी पुरुषों और महिलाओं के लिए कॉमन कर दिया कुंड। पहले पुरुषों का अलग था, महिलाओं का अलग था। उसमें दो मृत्यु हो गई, 52 फीट गहरा है वो, इसलिए पुरुषों वाला कुंड बंद कर दिया। अभी मंकी भी है यहाँ पे। देखिए बंदर कितने सारे हैं यहाँ पे।
और इधर है सीते सीताराम जी मंदिर। श्री सीताराम जी का मंदिर राम सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है। जय श्री राम। पंडित जी कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे कब से स्थापित है? मंदिर 60,000 वर्ष प्राचीन है। गालव ऋषि ब्रह्मा जी के पौत्र थे, उन्होंने यहाँ पे 60,000 वर्ष तक तपस्या किया है। डेली गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाया करते थे, डेली आ जाते थे। हरिद्वार यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर जाने के लिए अपने को लगातार चलते हैं अपनी साधन से तो 10 से 12 घंटे लगते हैं, और रुकते हुए अगर जाते हैं तो 15 से 17 घंटे लगते हैं। गालव ऋषि आधा पौन घंटे में जाके स्नान करके आ जाया करते थे। एक समय सप्तऋषि घाट पे स्नान कर रहे थे गालव ऋषि, गंगा बहुत जोरों से आई, आते ही प्रकट हुई और प्रसन्न हुई। बोले, हे ऋषि, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? ऋषि बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं मांगो। ऋषि कहते हैं कि जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ आप आ जाओ। गंगा जी कहती हैं, यो मस्त आ जाएंगे। ऋषि बोलते हैं गंगा जी को, आपके आने की पहचान क्या है? गंगा जी कहती हैं कि हे ऋषि, एक वस्त्र यहाँ छोड़ जाओ, जब वो वस्त्र आके गिरेगा तो समझ लेना मैं आ गई। वो वस्त्र और गंगा सत ऋषि घाट से पाताल लोक होते हुए गंगा यहाँ आई, गौमुख पे वस्त्र गिरा और गंगा यहाँ प्रकट हुई, गलता तीर्थ धाम हुआ। चार धाम की यात्रा हम जाते हैं, जब तक यहाँ नहीं आते हैं उनकी यात्रा अधूरी होती है। यहाँ से यात्रा आरंभ भी होता है, यहाँ से यात्रा एंड भी होता है। जैसे सब तीर्थों का गुरु पुष्कर राज है, उसी तरीके से इसे गलता जी को भी सब तीर्थों का गुरु माना गया है। चार गुरु माना गया है। यहाँ पे तुलसीदास जी 3 साल रहे, नावाजी ने भक्तमाल की रचना यहाँ पे किया है। एक समय तुलसीदास जी और नावाजी महाराज वृंदावन धाम गए दर्शन करने के लिए। ज्ञान गुदड़ी के पास बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के लिए गए। नावाजी पहुँचते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तुलसीदास जी नहीं करते। नावाजी बोलते हैं, तुलसीदास जी ऐसा क्यों? तुलसीदास जी जवाब देते हैं, इस मूर्ति में इतनी छवि है तो धनुष बाण के साथ मुझे राम के रूप में दर्शन देंगे तब तो मैं इन्हें नमन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो तुलसीदास जी को कृष्ण जी राम के रूप में आए धनुष बाण लेकर के, तब जा कर के तुलसीदास जी नमन करते हैं। उसमें कहा है, कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण प्रभु कृष्ण भय रघुनाथ। ऐसा दिया हुआ है। कार्तिक मास पूर्णिमा में यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। 500 कुछ सालों पहले यहाँ पे अकबर आया है, था तो मुस्लिम ही पर हिंदू जाति में शादी हुई थी जोधाबाई से, इसलिए यहाँ आया और अंदर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गया। कोठार के हनुमान जी कहलाते हैं। तो जा कर के वहाँ कुछ मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत जब पूरी होती है तो दोबारा फिर आता है, आकर के नारियल का जोड़ा और अखंड जोत जला के यहाँ से गया। जब से अखंड जोत चलता चला आ रहा है, बहुत सिद्ध पीठ है। जगह 60,000 वर्ष प्राचीन है, इमारत 1100 साल पहले का है, भगवान 500 साल पहले, ऐसा दृष्टांत देता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भक्तमाल की कथा जरूर सुने, उसमें पूरा दिया हुआ है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जय राधे कृष्ण। तो अभी हमने आपको दिखाया श्री सीताराम जी मंदिर, 60,000 वर्ष पूर्व कथा है इनकी, इस मंदिर की। अब हम चलेंगे श्री ज्ञान गोपाल जी के मंदिर। वो इसके सामने ही है। यह श्री ज्ञान गोपाल जी का मंदिर। यहाँ पे गुरुकुल भी है अंदर। यह भगवान श्री ज्ञान गोपाल जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये भी यहाँ पे गुरुकुल भी है सामने, और छात्र पढ़ रहे हैं गुरुकुल के। तो अब हम यहाँ से बाइक लेके जाएंगे सूर्य मंदिर, जो दूसरी तरफ से हमें जाना पड़ेगा।